आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें मोबाइल से ट्रेन का टिकट बुक करना नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से ट्रेन का टिकट बुक करने का और कैंसिल करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपके पास IRCTC अकाउंट होना जरूरी है। बिना IRCTC अकाउंट के आप ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते। तो पहले हम IRCTC अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, IRCTC रेल कनेक्ट। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप रजिस्टर यूजर पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप ऐसा डालेंगे जो पहले कभी IRCTC अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज न किया गया हो। इसके बाद आप एक यूजर नेम डालेंगे जो भी आप IRCTC में लॉगिन करने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो इसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड डालेंगे जो भी आपको रखना है। नीचे आप पासवर्ड दोबारा डालेंगे कन्फर्म करने के लिए। इसके बाद अपना नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, मेल फीमेल चूज करेंगे, नेशनलिटी में इंडियन चूज करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे और उसका आंसर डालेंगे। अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो आप यहां पर क्वेश्चन चूज करेंगे और यहां पर आप कोई भी एक आंसर डाल देंगे। नीचे आप अपना ऑक्यूपेशन और मैरिटल स्टेटस भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। इसमें आप चूज करेंगे इंडिया, अपना पिन कोड, सिटी और स्टेट चूज करेंगे, पोस्ट ऑफिस चूज करेंगे। इसके बाद इसके बाद आपके सामने एक कैप्चा आ जाएगा। आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आपका यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आप ओके करेंगे। आपने जो भी यूजर नेम और पासवर्ड चूज किया था वो आप यहां डालेंगे। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और लॉग इन करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहां डालेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर भी एक OTP सेंड किया गया है, वो आप यहां पर डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई यूजर पर क्लिक करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। IRCTC अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप एक पिन सेट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐप में लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पिन डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो पिन आप यहां से सेट कर लेंगे। नीचे आप पिन दोबारा डालेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए। इसके बाद सबमिट। इसके बाद आप किसी भी ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए आप प्लान माय जर्नी पर क्लिक करेंगे। जिस स्टेशन से आपको जर्नी स्टार्ट करनी है वो आप फ्रॉम में चूज करेंगे। जहां तक आपको जाना है उस स्टेशन का नाम आप यहां पर टू में डाल देंगे। नीचे आप डेट चूज कर लेंगे, किस डेट को आप सफर करना चाहते हैं। आप यहां कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो इसमें से आप डेट चूज कर सकते हैं। इसके बाद सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो इस स्टेशन से उस स्टेशन तक जितनी भी ट्रेन जाने वाली है उन सब की आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। आपके सामने ट्रेन का नेम और नंबर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये ट्रेन आपके स्टेशन से किस टाइम स्टार्ट होगी और जिस स्टेशन तक आपको जाना है वहां पर किस टाइम पहुंचेगी। ट्रेन्स में आपको अलग अलग तरह की सीट्स मिलती है, तो आप चूज कर लेंगे किस टाइप की सीट आप बुक करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे स्लीपर चाहिए तो मैं SL चूज कर लूंगा। ट्रेन में अगर सीट अवेलेबल होगी तो यहां पर लिखा हुआ आएगा AVL, और अगर सीट अवेलेबल नहीं होगी तो यहां पर लिखा हुआ आएगा वेटिंग। तब आप किसी दूसरी ट्रेन में या किसी दूसरी डेट को टिकट बुक कर सकते हैं। आपके सामने फेयर आ जाएगा, कितना किराया आपको देना होगा। इसमें आप पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको पैसेंजर की डिटेल्स ऐड करनी होगी। आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर पैसेंजर का नेम, एज और जेंडर चूज करेंगे। नीचे आप बर्थ चूज कर लेंगे, आपको कौन सी चाहिए, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर या साइड अपर। इसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। एक पैसेंजर ऐड हो गया है। अगर आपके साथ और भी लोग सफर करने वाले हैं तो आप ऐड न्यू पर क्लिक करके उनको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई बच्चा है तो आप ऐड इन्फेंट पर क्लिक करके उस बच्चे की डिटेल्स भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसमें आपको डेस्टिनेशन एड्रेस डाल देना है जिस एड्रेस पर आप जाने वाले हैं। पहले डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं मांगा जाता था, लेकिन कोरोना के बाद से डेस्टिनेशन एड्रेस डालना जरूरी है जहां पर आप जाने वाले हैं।
तो आप यहां पर एड्रेस फिल कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे पेमेंट मोड चूज करेंगे, आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI। जैसे कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो मैं नेट बैंकिंग चूज कर लूंगा। नीचे आपको ट्रेवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए तो इसको आप यस कर देंगे। इसके लिए आपको 49 पैसा पर पर्सन पे करना होगा। अगर आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने समरी आ जाएगी। आप इस स्टेशन से इस स्टेशन तक के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, पैसेंजर की डिटेल्स आ जाएगी, पेमेंट मोड आ जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ही आप टाइप कर देंगे। इसके बाद पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपको सभी पेमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप वॉलेट से पे कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से भी पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग चूज करूंगा, पे पर क्लिक करेंगे, रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट पेज पर। यहाँ मैं नेट बैंकिंग चूज करूंगा और इसमें मैं बैंक चूज कर लूंगा जिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से मैं पे करने वाला हूँ। रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा उसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पेज पर, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन करेंगे। इसके बाद बैंक OTP डालेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा टिकट भी बुक हो चुका है। ऊपर आपको डाउनलोड और शेयर का बटन मिल जाएगा, डाउनलोड पर क्लिक करके आप इस टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर पर क्लिक करके आप इसको शेयर कर सकते हैं। अपनी बुकिंग्स देखने के लिए आप माई बुकिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी टिकट्स बुक किए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि अभी हमने एक टिकट बुक किया हुआ है तो ये हमारे सामने आ गया है, इस पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, यहीं से आप इसको डाउनलोड और शेयर भी कर सकते हैं। ट्रेन में दिखाने के लिए इस टिकट को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ऐप में लॉगिन करके इस टिकट को यहां पर दिखा सकते हैं, ये पूरी तरह से वैलिड है। जो टिकट आपने बुक किया है अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप माई बुकिंग्स पर क्लिक करेंगे, जिस टिकट को आप कैंसिल करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कैंसिल टिकट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे टिकट को कैंसिल करने के लिए। अगर आपने एक से ज्यादा लोगों के लिए टिकट लिया है तो जिन लोगों का आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं उनको आप सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप सभी का कैंसिल करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल चूज करेंगे। इसके बाद कैंसिल पर क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। अभी आप माय बुकिंग्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं स्टेटस कैंसिल्ड। टिकट कैंसिल करने के बाद आपको रिफंड मिल जाता है, तो रिफंड देखने के लिए आप रिफंड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे और जब भी आपको रिफंड मिलेगा तो उसकी हिस्ट्री आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप अपने IRCTC अकाउंट के साथ आधार लिंक करना चाहते हैं तो आप माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको लिंक योर आधार का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर अपने आधार को लिंक कर सकते हैं अपने IRCTC अकाउंट से। बाद में अगर आपको कभी भी अपना आधार डीलिंक करना है, उसको हटाना है, तो आप रिलीज पर क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं। कम समय में टिकट बुक करने के लिए आप पहले से ही पैसेंजर्स की डिटेल्स को ऐड करके रख सकते हैं ताकि आपको बार बार ऐड ना करनी पड़े। इसके लिए आप माई मास्टर लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से आप पैसेंजर्स की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, ऐड पैसेंजर। इसमें आप पैसेंजर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और सारी चीजें फिल करके ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे, पैसेंजर की डिटेल्स ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स फिर से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप ऐड एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, जितनी भी आपने मास्टर लिस्ट बनाई हुई है आपके सामने आ जाएगी, आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट पैसेंजर तो उसकी डिटेल्स यहां पर ऑटोमेटिकली एंटर्ड हो जाएगी। इस तरह से आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट कैसे बुक किया जाता है इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।